भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने संदेश में मैं प्रत्येक भारतीय को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में व्यापक क्षेत्रों में सफलता, प्रगति और विकास का एक उज्जवल उदाहरण है। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति के साथ असाधारण लोगों को सजोए एक अनूठा देश है। आधिकारिक रूप से कजाकिस्तान और भारत के बीच राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किया है। अगले साल हम इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाएंगे। फिर भी हमारे संबंध सजा मूलों के साथ संस्कृति प्राचीन इतिहास में जदीम जमाते हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया के किसी भी देश और में बाईपास नहीं किया, बेशक हमारी योजनाओं का समायोजन किया। हालांकि कजाकिस्तान क्षेत्र में भारत का मुख्य व्यापार भागीदार बना हुआ है। द्विपक्षीय व्यापार का कारोबार 2020 में लगभग 250 करोड़ तक पहुंच गया है। मैं महामारी के बीच चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। एकजुटता के इस इशारे ने एक बार फिर हमारे देशों के बीच सहयोग के रणनीतिक स्तर की पुष्टि की। हम कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी के खिलाफ टीकी प्रदान करने के भारत के प्रयासों की सराहना करते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण, जिसने 16 जनवरी को 30 मिलियन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी, महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा कदम है। कजाकिस्तान ने भी टीकों का उत्पादन व चिकित्सा कर्मचारियों, शिक्षक और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के टीकाकरण शुरू किया है। संयुक्त रूप से हम इस महामारी को हरा सकते हैं और मजबूत राष्ट्रों के रूप में उभर सकते हैं। दोनों देश बहुजाति, बहुभाषाएं, बहुसांस्कृतिक समाज है कि आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य दो देशों के लोग निम्नलिखित धर्मनिरपेक्ष नीतियों के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रोत्साहन सभी प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा पर मेल खाते हैं। कजाकिस्तान भारत के वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति का सम्मान और मान्यता देता है। भारत राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। हम भारत के विकास को देखते हैं और हम अवसरों की पूरी सराहना करते हैं कि जो भारत का विकास दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। एक बार फिर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय कजाक हिंद दोस्ती।